हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 25 एम्पेयर का रिले स्विच के बारे में बता रहा हूँ। ये वन वे रिले स्विच है जो कि 25 एम्पेयर 12 वोल्ट की है। ये काफ़ी हैवी है दोस्तों। आज मैं इसके अंदर के सारे कंपोनेंट दिखाऊंगा, ये कितना लोड उठा सकती है। 25 एम्पेयर का मतलब है कि आप इस पे अप्रॉक्स 10 KV तक का लोड दे सकते हो, यानी 10,000 वाट का। ये देखो NO NC और ये है कॉमन। जब हम T1 T2, ये जो रेजिस्टेंस का आप सिंबल देख रहे हो यहाँ, जब हम लोग फोटो देते हैं, यहाँ पे जब हम लोग करंट देते हैं तो ये देखो 12 वोल्ट 100 ओम्स है ये। जब हम लोग T1 T2 में करंट देते हैं तो ये NC से छोड़ के NO में चला जाती है। ये है NC, ये है कॉमन, ये है NO, ये T1 T2। तो दोस्तों आज मैं आपको रिले स्विच के पूरी जानकारी दूंगा, रिले स्विच के अंदर क्या होता है। तो अब देख लो अच्छे से, NO NC कॉमन, कॉमन में जब करंट दिया जाता है तो फिर NC से ये निकलती है, और T1 T2 में जब हम लोग करंट देते हैं तो ये NO के साथ टच कर जाता है। यहाँ से हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको खोल के देखते हैं, और आज आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर कॉमन और NC का जो वायर है वो कितना हैवी वायर है। वो ऐसी वायर है जिसपे यदि आप AC करंट का लोड यदि आप उस पर 20,000 वाट का भी देते हो तो भी कुछ नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ये देखो कितना हैवी कॉपर कॉयल का इस्तेमाल किया गया है, और ये देखो NC और कॉमन को जोड़ने वाली जो वायर है कितना हैवी वायर है। और ये एक बड़े से तांबा के प्लेट पे जुड़ी हुई है। ये देखो ये वायर, ये इतनी हैवी वायर है जिसपे यदि आप 10 KV का भी लोड दोगे तो भी कुछ होना नहीं है इसको। ये बहुत ही हैवी वायर है, और ये है T1 T2 जिसका कॉयल आप देख रहे हो। जब हम लोग T1 T2 में करंट दे देते हैं तो ये खींच लेता है इसको। जब हम लोग कॉयल में करंट जाएगी तो यहाँ पे मैग्नेट बनेगा, और मैग्नेट के ज़रिए ये खींच लेगा ये स्प्रिंग के ज़रिए। देखो कितना हैवी स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको खोलने का प्रयास करते हैं। काफ़ी हैवी स्प्रिंग है, एक बार मैं आपको खोल के भी इसको दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी छोटा स्प्रिंग है और बहुत ही हैवी स्प्रिंग है, तो इसको आसानी से खोलना भी मुश्किल है। बट मैं इसको चिमटा के सहारे खोल रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, वीडियो को बिना कट का बनाया है। दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करो, ऐसे ही टेक्निकल जानकारी मैं अपने चैनल पे अक्सर देता हूँ। ये देखो मैं इसको खींच रहा हूँ, चूँकि काफ़ी छोटा स्प्रिंग है और काफ़ी तनाव के साथ ये खींचा हुआ है, इसके कारण ये जल्दी से खुल नहीं रहा है। ये देखो ये खोलने क्रम में कहीं चिटक गया, चलो ये मिल भी गया। ये देखो कितना छोटा स्प्रिंग है, और ये खींच के रखता है। इसके बावजूद इतनी हैवी मैग्नेट बनती है इसके नीचे, ये देखो यहाँ पे पॉइंट पे इतनी हैवी मैग्नेट बनती है कि ये इतना हैवी स्प्रिंग होने के बावजूद ये NC का पैनल को ये खींच लेता है। ये देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है, इसके वजह से यहाँ पे, चूँकि ये 5000 वाट के एक स्टेबलाइजर में लगा हुआ था, तो 5000 वाट का जब स्टेबलाइजर हैवी लोड में होता है तो वो 5000 से ज़्यादा ही करंट कंज्यूम करता है। क्योंकि जब अगर हम 5000 वाट पे 5000 वाट का लोड दे देंगे तो बहुत ही हैवी लोड जनरेट होती है। अब इसे मैं फिर से फिट कर रहा हूँ। रिले स्विच दोस्तों कई सारे जगहों पे लगाई जाती है। अगर आप जनरेटर और AC करंट दोनों यूज करते हो तो ऑटोमेटिक कनेक्शन भी बना सकते हो टू वे रिले स्विच के ज़रिए। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, जैसे ही आपके घर पे करंट आएगा वो रिले अपने आप ट्रिप होकर करंट पे चला जाएगा, और जैसे ही आप जनरेटर स्टार्ट करोगे वो ऑटोमेटिक जनरेटर से हो जाएगा। कई सारे जगहों पे ये सिस्टम लगा हुआ भी रहता है। ये देखो ये जब ये कॉमन है दोस्तों, और कॉमन में जब हम लोग करंट देते हैं तो ये मूव करके यहाँ से, आप देख लो ये मूव करके यहाँ से
एनसी के जरिए निकलता है, यहाँ से निकल जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ हम लोग जब करंट देते हैं तो यहाँ से निकलता है। जब हाई वोल्टेज होती है तो हम लोग T1 T2 में एक सर्किट लगा रखते हैं, इसको ऑटो कट बोर्ड बोलते हैं, और वो जैसे ही हाई वोल्टेज होती है उसमें करंट सप्लाई करता है और ये NO NC से के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि मैग्नेट में कॉइल में करंट जाती है और मैग्नेट के जरिए ये हमारा NC के पैनल को खींच लेता है और ये NO के साथ कनेक्ट हो जाता है। और NO के साथ हम लोग स्टेबलाइजर में एक रेड कलर का LED लगाते हैं ताकि ये इंडिकेट हो जाए कि अब ऑटो कट हो गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब और दोस्तों में भी शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अगर आप रिले स्विच के बारे में नहीं जान रहे थे अभी तक, तो मुझे लगता है कि मैं इस बड़े रिले के जरिए आपको बताने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 25 एम्पीयर का रिले है जिसकी मार्केट में मूल्य अप्रोक्स आपको 300 रुपया अभी दाम है। तो अगर आप भी आपका भी यदि स्टेबलाइजर वगैरह का रिले बार बार ख़राब हो रहा है तो आप ये 25 एम्पीयर का रिले लगा दो उसके जगह पे, ये कभी ख़राब नहीं होगा, ये सालों साल चलता रहेगा आपके यहाँ। ये है इसकी स्प्रिंग दोस्तों, एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और रिले स्विच के बारे में जो भी आपको डाउट होगी वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।